लगातार 20वें दिन महंगा हुआ डीजल पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 80 के पार, शुक्रवार को डीजल 17 पैसे पेट्रोल 21 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 33% क्षमता के साथ उड़ान भर रही है एयरलाइंस, बड़े शहरों से छोटे शहरों को जाने वालों की तरफ से ज्यादा मांग। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रैंकिंग में बेंगलुरु 26वें स्थान पर, भारत के अकेले शहर को मिली जगह। वैश्विक आर्थिक सुस्ती जारी रहने पर मौजूदा कारोबारी साल में 10 से 12 फीसदी घट सकता है देश का निर्यात, FIEO ने जताई आशंका। स्विस बैंक में भारत से जमा होने वाले पैसों में आई 6% की गिरावट, 2019 में घटकर कुल 6625 करोड़ रुपए रहे। EPF पर मिलने वाली ब्याज दरों को 8.65% से घटा सकता है EPFO, ऑडिट कमेटी की बैठक में होगा फैसला। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने की योजना। यस बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलेट युवा पे, बिजली पानी बिल के भुगतान समेत DTH भी कर सकेंगे रिचार्ज। 27 जून तक चलेगी फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल, ओप्पो वीवो रियलमी आईफोन वगैरह पर भारी डिस्काउंट। ताकेदा इंडिया ने PM CARES फंड में दिए 1.2 करोड़, जापान की फार्मा कंपनी है ताकेदा फार्मा।